सिर्फ इतना कहने आए हो कि बार बार मुझे कॉल करना बंद कर दो प्लीज। कैसे बंद कर दें हम? बताना लव, कैसे बंद कर दें? हाँ, शायद तू भूल गई है ना कि तू कुल्फी की माँ है, तो किसी को तो याद दिलाना पड़े ना लव। खुद तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। I don't know what your problem ये है ना कि वो सिकंदर हमारी बेटी को इतना भला बुरा कहा उसने, जिसकी वजह से हमारी बेटी की तबीयत खराब हो गई, सो नहीं पाई वो। तूने क्या किया? वो सिकंदर कुछ कहने के बजाय हमारी बेटी को तू देखने तक नहीं आई। अगर अमायरा तेरी बेटी है ना, तो कुल्फी भी तेरे पेट में 9 महीने रही है। तू उसकी माँ होके उसे पराया कैसे कर सकती है? और एक बात बता मुझे कि तेरी बड़ी बेटी तेरे साथ तेरे घर में रही और प्यार उससे तुझसे नहीं तेरे पति से मिल रहा है। अगर सिकंदर और कुल्फी के कनेक्शन से इतनी ही प्रॉब्लम है ना गुड्डू, तो जाओ यहाँ से, अपनी कुल्फी को लो और हम सबसे दूर चले जाओ, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। सब कहाँ चले जाएं और क्यों चले जाएं? अरे चले जाओ ना, दूर उसी से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी ना गुड्डू, सबकी भला है इसी में। तुम भी खुश रहोगी, कुल्फी भी खुश रहेगी, ओके? और तू कुल्फी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। गुड। सिकंदर जी कैसे हैं? सिकंदर बिल्कुल ठीक है, वो तो एक्चुअली बहुत खुश है, बहुत खुश है। चलो अब देर हो रही है मुझे, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं चलती हूँ। प्यारी जी सिकंदर जी के लिए भिजवा दूं, बस ये थोड़े से फोन वो इन्हें देखेंगे ना तो उनका सारा गुस्सा उतर जाएगा। कितनी मासूम है हमारी बिटिया, जो इसका दिल तोड़ रहा है वो उसी को मनाने के जतन कर रही है। कुल्फी बेटा वो इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना तुमसे, तुम्हारे सिकंदर जी बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं बेटा, मेरा रोते नहीं है बेटा। इतने सारे नहीं तो कम से कम 2-4 फूल तो भिजवाने दीजिए ना। प्यारी जी आप ये मेरी तरफ से सिकंदर जी को दे देंगे ना? दे दूंगी, मैं चलती। गेम खेलना चाहते हैं ना महेंद्र भाई साहब, ठीक है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। जैसे आपने सिकंदर के दिमाग में शक बोया है, उसे मैंने भी तेवर को एक आइडिया दिया है कि कुल्फी को यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाए। देखते हैं कौन सा बीज पहले जड़ पकड़ता है, देखते हैं। चिंता मत कर, मैं गुंजन का ख्याल रख लूंगा। तू बस तेवर का ध्यान रख। सिक्के, तुझे ये बात अजीब नहीं लगती कि उसी वक्त पोटली हमारे घर पे आ जाती है जिस वक्त तेवर हमारे घर पे होता है? उस डायरी में लिखी एक एक बात मुझे ठीक नहीं लग रहा यार। आज एक औरत मेरे पास दूध पीती बच्ची लेके आई, पेन पे आई। उस माँ का प्रेमी देवर बहुत बड़ा गायक है। माँ ने बताया था कि मेरे पापा मुंबई शहर में बहुत बड़े गायक हैं। लेकिन पाजी, जब मैंने ना कुल्फी से मैंने भी पूछा था जब पहली बार कि पता अपने पापा के बारे में, तो उसने मुझे यही बताया था कि उसकी माँ ने उससे यही कहा कि उसके पापा मुंबई में बहुत बड़े गायक हैं और डायरी में तेवर का नाम लिखा है। मुझे ये बात इत्तफाक नहीं लगती सिक्के। एक इंसान जिसको कुछ हफ्तों पहले तक कोई नहीं जानता था, वो तेवर अचानक से हमारी जिंदगी में आता है और वही इंसान कुल्फी का बाप भी निकल जाता है। ये कैसे हो सकता है यार? सही में पाजी, ये तो कोई ना पाजी, मैं पता करता हूँ पाजी। सिकंदर भाई साहब से बात करो, लाओ मैं भी बात करती हूँ। एक मिनट पूछो तो। हेलो भाई साहब, लवली भाई साहब, तबीयत कैसी है भाभी की? भाई साहब आप घर की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम यह सब संभालेंगे। आप सिर्फ भाभी की फिक्र कीजिए, उनकी तबीयत का ख्याल रखिए। सबके लिए बेहतर यही होगा और घर पे भी सब ठीक हो जाएगा अगर आप सिर्फ अपना पूरा ध्यान भाभी पर लगाए और किसी चीज़ पर नहीं। चलिए रखती हूँ। हेलो, तुम कितना भी कोशिश कर लो लवली, पर मैंने सिकंदर के दिमाग में शक का बीज डाल दिया है। अब वो जल्दी सच के पास पहुंच के रहेगा और कुल्फी अपने घर वापस आएगी पूरे हक के साथ। तुम्हें पता है अमारा कितनी खुश है? आज पापा और बेटे ने बहुत सारे गेम्स खेले हैं। पता है वो इतनी खुश है कि इतनों से जो होमवर्क पेंडिंग था ना, आज एक झटके में उसने सारा खत्म कर दिया। सिकंदर, पिछले कुछ दिनों में हमने अमायरा की जिंदगी में जितनी भी कमियां की है ना, हमें उन सारी कमियों को पूरा करना है, कुछ भी हो जाए। पर उसके लिए तुम्हें उसे अपना सारा वक्त और अपना सारा ध्यान देना पड़ेगा। सिकंदर, आप भी करोगे ना? तो अब सिर्फ अमायरा के बारे में सोचो, ओके? ये क्या लगा अपनी? क्या ये क्या है? पता नहीं कहीं से अटक गया होगा, गिर गया होगा। मैं फेंक देती हूँ। नहीं, क्यों फेंक क्यों रही हो? नहीं, बहुत अच्छा है, मैं रख लेता हूँ। ये सिकंदर जी के लिए भिजवा दूँ, वो इन्हें देखेंगे ना तो उनका सारा गुस्सा उतर जाएगा। कुल्फी और सिक्के का रिश्ता तो खून का रिश्ता है लवली, उनका मिलना तो सितारों में लिखा है। किस्मत ने चिरौली से मुंबई तक की दूरी कम कर दी, तुमने तो सिर्फ 2 घर दूर कुल्फी को किया है। जब से हमारी बिटिया यहाँ आई है, एक रात भी नहीं सो पाई। हम इसके लिए करें भी तो क्या करें?